हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाइट एग और ब्राउन एग में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से हमें कौन सा एग लेना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंडा हमारी सेहत के लिए कितना गुणकारी होता है। इसमें बहुत सारे फैट, विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं। यह प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। अंडे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाइट एग और ब्राउन एग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क जो दोनों एग्स के बीच में होता है वह सिर्फ कलर और प्राइस का ही होता है। इसके अलावा दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दोनों की अगर हम ताकत की बात करें तो दोनों में एक जैसी कैलरीज, एक जैसा फैट, एक जैसा विटामिन, एक जैसा अमीनो एसिड, ओमेगा 3 और दोनों में एक जैसा ही प्रोटीन होता है। दोनों एग्स में कलर और प्राइस के अलावा कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं होता। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ब्राउन एग व्हाइट एग से ज़्यादा ताकतवर होता है। इस बात को लेकर दोनों अंडों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पर कई बार रिसर्चेज हुई, लेकिन दोनों एग्स के अंदर कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। एक मीडियम साइज एग के अंदर 78 किलो कैलोरी एनर्जी, 6.29 ग्राम प्रोटीन, 0.56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5.3 ग्राम टोटल फैट होता है, जिसमें 0.7 ग्राम मोनोसेचुरेटेड फैट, 0.7 ग्राम पॉली सेचुरेटेड फैट और 1.6 ग्राम सेचुरेटेड फैट, और साथ ही साथ 186 यानी कि 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो दोनों एग्स में एक जैसा ही होता है। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अंडे का रंग क्या है, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि अंडा जिस मुर्गी ने दिया है उसको कैसा फूड और एनवायरनमेंट मिला है। जिस मुर्गी को पिंजरे में बंद करके रखा है, जिसको अच्छा फूड नहीं मिला, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, वह मुर्गी जब अंडा देती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जरूर कम हो जाती है, उसके मुकाबले में जिसको हम घर पे पालते हैं, जो खुले में रहती है, अच्छा फूड हम उसे देते हैं, प्रॉपर सनलाइट उसको मिलती है, जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु खाती है, जब वह हम जब एक अंडा ले करती है तो उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन, मिनरल्स और विटामिन डी होता है। दोनों एग के कलर के मिथ की वजह से बहुत सालों से हमें लूटा जा रहा है, क्योंकि ब्राउन एग का प्राइस व्हाइट एग के कंपैरिजन में लगभग दुगना है। तो अगली बार जब भी आप एग परचेज करने के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अंडे को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अब किसी भी फॉर्म में अगर अंडे को लेंगे तो हेल्दी ही होगा। आप चाहे बॉईल करके ले सकते हैं, आप चाहे भुर्जी बना के ले सकते हैं, आप फ्राई करके ले सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप ऑमलेट बना के ले सकते हैं, अंडा हेल्दी ही रहता है। अगर हम इसमें ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा मिर्च मसाले का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी कैलरीज जरूर बढ़ जाती हैं। अंडे को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि हमें अंडे का पीले वाला भाग खाना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को अंडे का पीले वाला भाग खाना चाहिए, किन्हें नहीं खाना चाहिए, अंडे के अंदर क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है क्या, अंडा हमें कौन सी उम्र से शुरू कर देना चाहिए, एक दिन में हम कितने एग्स खा सकते हैं, क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम एग्स ले सकते हैं क्या, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अंडे को हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए जो ज़्यादा बढ़िया होता है, जिससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो वह हम हमारी अगली वीडियो के अंदर इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।